Welcome to you in this evening session for the Shams of the Bhambo Nashis Day. I'm Pastor Michael Singh. As some of you subconscious, we have said some of the swagat that they have summoned for ministry to preach for. And as of this Ghoshna Kisad, as of my Sabha to Surga de Jare, there is power in the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. As of my Gana Pratana Hoga, as of my Amit Kisad, I'm worship the Jai. Thank you, Lord. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Thank you.
परमेश्वर इस समय जब परमेश्वर हम आपकी वर्षित और परमेश्वर आपके घर से ले जाते हैं प्रभु आपकी महिमा को आपके हाथों में सौंपते हैं जितने लोग यहाँ पे और देख रहे हैं परमेश्वर सभी को आप परमेश्वर बुद्धि दीजिए करने को बोल दीजिए धन्यवाद प्रभु हर एक गीतों को सुनने के लिए यीशु के नाम से आमेन आइए हम परमेश्वर के दास का स्वागत करें और उनसे वचन सुनने के लिए तैयार हों Praise the Lord. Thank you, Jesus. Give me the glory. Praise you. Yes, so much about the Daniel. Jin log dekh rahe sun lijiye bahut yes so much about the Daniel hai. Aur ye dhoop ki shuruaat hai. Aur iske baad aur dhoop padne ja rahi hai. Ye shuruaat hai. Lekin 7 saal ke isse pehle Prabhu Yesu apne kalisha ko utha lega. Apne priyajanon ko utha lega. अगर आप सच्चे विश्वासी हो आप जा रहे हो अगर आप ढोंगी हो आप नहीं जा रहे हो अगर आपके जीवन में पाप है ईर्ष्या गुस्सा जलन क्रोध आपका गाड़ी ऊपर नहीं नीचे जा रही है सुन लीजिए हम पवित्र परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के समान बनते हैं तब हम स्वर्ग जा पाते हैं नहीं तो नहीं जा पाएंगे आज मैं फिर से बोलना चाहता हूँ हमारे हर एक टेलीकास्ट में बोलूंगा कि अगर आप एक क्रिश्चियन हो और पाप करते हो अगर आप क्रिश्चियन हो और आप पवित्रता में जी रहे हो अगर आप क्रिश्चियन हो और हर प्रकार की गाली और हर प्रकार की ईर्ष्या आपके जीवन में पाई जाती है आपकी गाली ऊपर नहीं जा रही है आपकी गाली नरक के आग में जा रही है कोविड-19 में और मरेंगे लोग बहुत भयंकर रूप से मरेंगे कोविड-19 होता है कुछ नहीं है जो भयंकर भयंकर महामारी आने वाली है ये शुरुआत है ये झलक है पश्चाताप करो खुदा के करीब आ जाओ देर मत करो कहीं देर ना हो जाए और देर होते होते और आपको उठा के लिए आ नहीं पाएंगे बहुत लोग मरने जा रहे हैं हो सकता है बहुत ही हार्ड वाला बात हो सकती है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ जिसको मत पश्चाताप करो नम्र बनो घमंडी लोगों ऊपर नहीं जाएगा घमंड कौन है घमंड एक व्यक्ति है जिसका नाम है लूसीफर और किसी के अंदर में घमंड है ओह मैं संपर्णी हूँ आपका बाप यीशु नहीं आपका बाप शैतान लूसीफर है अगर आपके जीवन में नम्र भाव है तब आप यीशु का बच्चा हो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है और मेरे टेलीकास्ट में देख रहा है आसान से मत लेना ये टेलीकास्ट को मैं प्रोफेटिक एनॉइंटिंग में खड़ा हूँ मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति से जश आ रहा हूँ और ऐसे ऐसे बातों को मैंने जाना जो कि डराने वाली बातें हैं आपके पड़ोसी साइड वाले मरने वाले हैं तैयार हो जाओ अगर आप तैयार नहीं होंगे आप भी मरोगे और मरने के बाद गाड़ी स्वर्ग जा रही है बहुत क्लेश बाइबल में लिखा बहुत क्लेश कष्ट और दुख के बाद आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे करके पहला थिस्लोनिके में लिखा गया है तो इसलिए इस उपस्थिति में आओ हर प्रकार की चीजों से कट ऑफ करके बाहर आ जाओ और आज के लिए और उसके बाद हमारे हर टेलीकास्ट में रहो यीशु का आगमन जल्दी होने वाला है बहुत जल्दी हो सकता है आज रात में क्योंकि ऑलरेडी सुसमाचार पूरे दुनिया में फैल गई है देश देश के विरुद्ध में खड़ा है कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा रशिया पावर में आ गया है रशिया के बारे में और बहुत प्रकार की किताबों में लिखा है कि रशिया से एंटीक्राइस्ट आने वाली है मिडिल ईस्ट रशिया के साथ मिलकर इंडिया पर धावा करने वाली है हर प्रकार की आतंक फैलने वाला है हर प्रकार की चीज बढ़ रही है मसीहों सो मत रो ये समय मौज मस्ती मजाक करने का नहीं है ये बहुत ही गंभीर समय में हम लोग पहुंचे हुए हैं हमारे बहुत करीबी लोगों को कोविड-19 हो गया है बी वेरी केयरफुल मेरे प्रियो अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास नहीं करोगे जीवन पवित्र जुबान पवित्र आंख पवित्र हृदय पवित्र नहीं होगा आपका भी गाड़ी नीचे जाने वाली है तो इसलिए आज मेरा ये टेलीकास्ट जो कोई देख रहा है सुन लो मृत्यु दरवाजे के पास दस्तक दे रही है जिसका कान है वो सुने आपको बहुत कुछ मिलेगा बहुत अच्छा होने जा रहा है आपका जीवन बदलने जा रहा है अच्छा आशीष आने जा रही है मैं झूठ नहीं बोलूंगा विपदा आने जा रही है क्लेश आने जा रही है कमर कस लो जो दौड़ेगा अंत तक वही अनंत जीवन और उद्धार पाएगा केवल यीशु का नाम लेने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे जो लेकिन यीशु को पकड़ कर चलेंगे अंत तक
कोई गारंटी नहीं है, गाड़ी रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, आपके परिवार आपके पास रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको यीशु के साथ रहना है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको मुझे दिया गया है कि उसके साथ बने रहने के लिए पश्चाताप करें, गिड़गिड़ाएं, रोए, खुदा का उनके पास आए और बोले प्रभु मुझमें ढोंगीपन को मेरे से बाहर निकाल और ओरिजिनल चीज को मेरे अंदर में डाल। बहुत दिखावापन हमारे जीवन में है, सबको उखाड़ कर फेंकेगा। खुदा जेन्युइन प्योर क्लीन हार्टेड, लंदपंथ कोई भी चीज में नहीं, ना झूठ, ना ईर्ष्या, ना जलन, ना गुस्सा, हर प्रकार की चीजों से अलग होकर यीशु के साथ एक जीवन, एक अद्भुत रिश्ता बिताने वाले आप स्वर्ग जाने वाले हो गए। बाइबल का परमेश्वर कहता है अंत दिनों में मैं हिलाने जा रहा हूं, और क्या हिलाएगा? सब कुछ हिलाएगा, स्वर्ग भी हिलेगा, पाताल भी हिलेगा और पृथ्वी भी हिलेगा, और जो स्थिर रहेगा, जो हिलेगा नहीं, वही अनंत जीवन पाएगा। अभी अभी सुनने में आया कि अर्थ में बड़ी जगह हिलाने गई है जो में, आज सुनने में आया कि बड़ा सा और कॉमेट एस्टेरॉइड लंदन के जैसे इतना बड़ा लंदन और पृथ्वी के ऊपर आ रही है। ये सब क्या है? दुखों का शुरुआत है और अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, लेकिन यीशु के अंदर अच्छाई है और यीशु में रहने वालों के अंदर अच्छाई रहेगी। दुख की बात नहीं होनी चाहिए, मृत्यु हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं absent from the body, present with the Lord। जब कभी मुझे मृत्यु आएगी, मेरा शरीर को मैं छोड़कर खुदा के साथ मिल जाऊं, मेरे लिए यहां पर भी बेनिफिट, वहां पर भी बेनिफिट। इसलिए मसीह को पकड़े रखना, पाप में जो है उन लोगों को बोलना कि यार तू जो मजाक खेल खेल रहा है आज रात से बंद कर दे, और कोई भी दोस्ती आ रही तेरे साथ मेरा नहीं है बोल देना। खुदावन की उपस्थिति में रो रो कर अपने कार्यों को पवित्र करना, कर तुझे तरस आए और तुझे क्लेश और महामारी के ऊपर ना आए। धन्यवाद 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 यीशु, वर्षित लो प्रभु, धन्यवाद कर सभी के। हालेलुया लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम जीसस। Oh,
कुछ सबके दांत से परमेश्वर तू है Amen.
परमेश्वर आज और क्या क्या महिमा होगा प्रभु तेरी मिट्टी क्या तेरी साधना करेगी इसलिए प्रभु कब्र से जाने से पहले निर्णय लेता हूँ रात और दिन एक करके प्रभु तेरी आराधना करूंगा लॉर्ड मैं अपने कुकर को से फिरूंगा लॉर्ड मैं आपके नामों पर चलूंगा लॉर्ड अगर आप क्रिश्चियन हो पश्चाताप करो क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो आप मत सोचो कि उससे खुदा खुश है खुदा खुश नहीं है हम लोग से क्यों कुछ नहीं पता है क्योंकि हम अपने सांसारिक रास्ते को पकड़ कर चल रहे हैं खाली बाइबल खोलने से आप स्वर्ग नहीं जाने वाले